पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज भाजपा कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफ अली चौहान संयुक्त रूप से रहीं। आयोजित जिला समिति की बैठक का संचालन कशिश चौहान ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल चौहान ने की। बैठक में आभार अभिव्यक्ति युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण पंडित के द्वारा की गई। इस अवसर पर मंच पर बोलते हुए एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि महासंपर्क अभियान में सभी युवाओं को मन से कार्य करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की सफलतम उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर जन जन तक पहुंचाना है और सभी को 9 साल के कार्यकाल को बताना है। एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि बड़ी बड़ी लगभग 171 ऐसी उपलब्धियां हैं जो सीधे जनता के हित में पूर्ण हुई हैं। उन्होंने कहा कि अब परीक्षा से पहले की शुरुआत है, परीक्षा से पहले की तैयारी का समय आ गया है। हम सभी को परीक्षा के लिए तैयार होना है जिससे कि हम परिणाम अच्छे ला सकें। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफ अली चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया का राजनीति में अहम योगदान है, इसलिए आपको सोशल मीडिया के माध्यम से महासंपर्क अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी सोशल मीडिया के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हमें इसे आगे बढ़ाना है। पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम हुआ है और जनपद की सोशल मीडिया और आईटी के लोगों का अर्थात्म में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। दूसरा कार्यक्रम यह है जनपद का और इसी के समानांतर अभी भारत जैसे ड्राइविंग 24 में महानगर के वरिष्ठ नागरिकों का एक सम्मेलन, यह सब कार्यक्रम आगे तक चलेंगे। कहने का ही ज्यादा बातें बची नहीं है, मैं सिर्फ दो तीन बातें युवा से कहना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स के स्टूडेंट कितने हो रहे हो और कितने लोगों को मैथ्स से गणित से डर लगता है? गणित अच्छा नहीं लगता था, स्कूल में डरते थे गणित से, टॉर्चर लगता था ना। लेकिन जो लोग गणित पढ़ते हैं और गणित को करने का जो तरीका होता है वही तरीका आज के युवा को चाहिए अपने जीवन में। गणित के जितने प्रश्न होते हैं ना, आप आनंद फानंद में जोश में नहीं कर सकते, आराम से पढ़ना होता है प्रश्न को, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा सा धैर्य लगाना होता है और फिर वो प्रश्न अपने आप उत्तर बन जाता है। अपने आप आपको पता चल जाता है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ घुमाना है और क्या करना है। हमारे जो ये युवा मोर्चा है इसके पास कार्यशील धर्म जैसे गुरुजी ने कहा, इसके पास जोश बहुत है लेकिन कमी आ जाती है। कई बार मैंने देखा है कि जोश कुछ ज्यादा हो जाता है और कुछ चला जाता है। अभी जैसे मैं सोशल मीडिया में बहुत सारे हैं जिनको मैं सोशल मीडिया में फॉलो भी करती हूँ, मैंने देखा है अधिकतर जो आपकी पोस्ट होती है अधिकतर नेगेटिविटी की ज्यादा होती है, किसी ना किसी को नीचा दिखाने की, किसी ना किसी के बारे में करने की। अपने सकारात्मक पोस्ट हम बहुत कम डालते हैं, बहुत कम हम लोग ऐसी पोस्ट डालते हैं, या तो हम पर्सनल डालेंगे या एक नए युवा मोर्चा में बहुत लोगों की पोस्ट पड़ी है शेर व शायरी बहुत डालते हैं कि हमसे टकराएगा, तूफान आ जाएगा, इस तरीके की पोस्ट बहुत डालते हैं युवा मोर्चा के लगे डालते हो ना। तो आप जैसे हमारा अभी अगर हम हाल के हाथ की बात करें, एक बहुत भीषण ट्रेन हादसा हुआ, आप सबको इसकी जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी सब वहीं पे मौजूद थे। मैंने देखा बहुत कम युवा मोर्चा के बच्चों की पोस्ट कहीं भी उस ट्रेन हादसे को हाईलाइट करते हुए, अपना आप वहां जाके कुछ कर नहीं सकते लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सहानुभूति, अपना साथ, अपनी एकता प्रकट। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।